रूस और यूक्रेन में जंग लगातार जारी है। अभी तक सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूसी टैंक और मिसाइल से भी ज्यादा कोई और चीज है जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की रातों की नींद उड़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पुतिन ने अपने खूंखार लड़ाकों की टुकड़ी यूक्रेन भेज दी है, जो अपनी जेब में यूक्रेन के अधिकारियों की तस्वीर और कत्लेआम मचाने के मंसूबे लेकर यूक्रेन की सड़कों पर घूम रहे हैं। कौन है यह कातिल टुकड़ी, आइए जानते हैं। यूक्रेन की धरती पर रूस मचा रहा तबाही, ग्रेनेड, मिसाइल और टैंक से भी ज्यादा खौफनाक टुकड़ी उत्तरी जंग में। पुतिन की खूनी टुकड़ी है वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की खून की प्यासी। जी हां, पुतिन से उनके दुश्मन यूं ही नहीं डरते हैं। पुतिन के पास ऐसी कई लड़ाकों की टुकड़ी है जो खूनी संघर्ष करने के लिए हर वक्त उतारू रहती है। इन्हीं टुकड़ी ने ज़ेलेंस्की और नाटो देशों की चिंता सातवें आसमान पर पहुंचा दी है। तो आइए जानते हैं उन रणबांकुरों के झुंड के बारे में जिन्हें पुतिन ने यूक्रेन की धरती पर के मंसूबों के साथ भेजा है। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है रमजान कादिरोव का, जिसकी तुलना कट्टप्पा से भी की जा रही है, क्योंकि यह ना तो मिसाइल से हमला करता है और ना ही टैंकों से रोंदता है। रमजान कादिरोव उर्फ कट्टप्पा सीधे गला काटता है। वो ऐसा खूंखार है कि उसके लिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। अगर कोई बेशकीमती चीज है तो वो है पुतिन का आदेश। रूसी राष्ट्रपति अगर रात को दिन कहे तो ये शख्स उसी को सही मानता है। पुतिन के प्रति उसका लगाव कुछ ऐसा ही है। रमजान कादिरोव को कई बार पुतिन की परछाई के रूप में देखा जा सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि वो पुतिन की परछाई जैसा ही है। मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि रमजान चेचन्या प्रांत से है, जिस पर रूस का अधिकार है। रूस ने चेचन्या का प्रमुख रमजान को ही बनाया है। हाल ही में रमजान ने 10,000 लड़ाकों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा है। इसके पास यूक्रेन में किसे मारना है उसकी हिट लिस्ट है। यही नहीं, रमजान कादिरोव ने ये भी दावा किया है कि जो शख्स यूक्रेन में किसी टैंक को तबाह करेगा वो उसे $20,000 का इनाम देगा। इस लिस्ट में दूसरा स्थान है स्पेशल कमांडो यूनिट का, जिसे रूस सेना अपना सबसे डेंजरस यूनिट मानती है। इसका नाम है एलिट फोर्स स्पेट्सनास। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिट ने सीमा पार कर यूक्रेन में घुसने की जिम्मेदारी ली है। रिपोर्ट्स में नाटो के हवाले से बताया गया है कि स्पेट्सनास कमांडोज को रूस ने पहले ही ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स के बहाने बेलारूस में तैनात कर दिया था। नाटो के मुताबिक स्पेट्सनास रूसी सेना की ऐसी यूनिट है जो वॉर टाइम के अलावा शांतिकाल में भी पूरी दुनिया में इमरजेंसी सिचुएशन में रूस के लिए स्पेशल मिशन को अंजाम देती रही है। इसके कमांडोज बेहद खतरनाक और अनुभवी लड़ाके होते हैं। माना जा रहा है कि इसी कारण वे तेजी से यूक्रेन में अंदर तक घुसकर कीव तक पहुंचने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।